नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम अच्छी तरह से अपने घर में अंदर लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम लगाते हैं पौधे जो इंडोर, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं उनके नाम बताऊंगी जिनको मैंने अनुभव किया है जो इंडोर अच्छे से चलते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें नाम है वो एरिका पाम का है। ये बहुत ही अच्छा इंडोर पौधा है अगर धूप नहीं आती है तो लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको थोड़े से भी धूप में रखते हैं तो अगर इस पर थोड़ी ज़्यादा धूप पड़ जाए तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। तो जितना ये इंडोर रहता है उतने इसके पत्ते ग्रीन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है, तो आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा जो फेवरेट और बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है वो है मनी प्लांट। आप इसको इंडोर कहीं भी लगा सकते हैं, अपन हैंगिंग बास्केट में, बोतल में, बहुत अच्छे से चलता है। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में आप लगा के रख दीजिए, किसी टेबल पर या फिर कहीं भी टांग लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। कहीं भी पानी में, मिट्टी में, हर जगह अच्छे से चल जाता है और इस पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती तो भी अच्छे से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा। इसको देखिए, छोटी सी बोतल में आप कहीं भी लगा के टांग सकते हैं। बहुत ही छोटी से छोटी बोतल्स में सब में चल जाता है। बहुत ही बढ़िया और अच्छा इंडोर प्लांट है, अगर आप इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा इंडोर पौधा है। इसके अलावा जो इससे अगला जो मेरा नाम होगा वो है सिंगोनियम प्लांट। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला पौधा है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है। बिल्कुल इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती और एक ही पौधे से आप एक साल में कम से कम 6-7 पौधे अपने अलग बना लेंगे। मेरे एक साल में 7-8 पौधे बन चुके हैं इससे, और बस ऊपर से इसमें जड़ आ जाती है, उसको कट कीजिए और दूसरे पौधे में लगा दीजिए अपने दूसरे गमले में, और अपना एक आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो दिखने में भी कितना सुंदर लगता है और बहुत ही बिना केयर के चलता है, और आप इसको इंडोर रखें तो बिल्कुल अच्छे से चलता रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। इसको मैंने इस मटके में लगाया है और खूब बढ़िया से ये चल रहा है। बाहर रखते हैं तो बाहर भी अच्छे से चलता है ये, आउटडोर भी और इंडोर भी बहुत अच्छे से चलता है। एक छोटे से इसमें लगाया हुआ है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी इसकी पत्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी। बस थोड़ी सी लाइट हो जाती है जब हम इसको अंदर रखते हैं, बाकी चलता ही अच्छे से है अंदर। तो आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये पौधा है। इसके अलावा जो इससे अगले मैं बात करूँगी वो है डिफन बेकिया। बहुत ही अच्छा इंडोर पौधा है, अगर आप अंदर लगाने के लिए पौधा ढूंढ रहे हैं तो आप इसे लगाइए। बिल्कुल अच्छे से चलता रहता है, इसके कलर्स पर भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर धूप इसको नहीं मिलती है तो लाइट मिल जाए अच्छे से, बस इससे ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। काफ़ी दिन से अंदर रखा है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। कटिंग से भी चल जाता है ये पौधा, जब ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप इस तरह से इसको काट दें, तो देखिए नया पौधा बन गया एक, और ये ऊपर वाला आप अलग लगा दें तो अलग पौधा बन जाता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है फोनेक्स प्लांट। देखिए बिल्कुल एक जंगल जैसा लुक देता है, आप इसको रखते हैं अगर अपने घर में, बिल्कुल ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसकी पत्तियाँ हैं, एकदम फुल जड़ी की तरह पूरा गमले को ये भर लेता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और आप इसे लगा सकते हैं। इंडोर बहुत अच्छे से चलता है, ग्रीन भी रहता है, इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता धूप का। अगर इसको अच्छे से लाइट मिलती रहे बस उसी से इसका काम हो जाता है। तो आप इसे लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा, मुझे इंडोर गार्डन में बिल्कुल अलग ही एक जान दे देता है। तो इसे लगाइए फोनेक्स प्लांट, बीच में से देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ निकल रही हैं इसकी। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पौधा है वो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये प्लांट है। इसका नाम, इसको फैन पाम भी कहते हैं, और वैसे इसका नाम प्रिंचेड़िया करके कुछ पाम है, तो आप देख लीजिए मैंने लिखा है ऊपर अजीब सा नाम है इसका, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। देखिए इसकी पत्तियाँ, देखिए कितनी सुंदर है, बिल्कुल फ़ैन पाम इसलिए इसको बोलते हैं, पंखे के जैसे इसकी पत्तियाँ हैं। बहुत ही सुंदर लगता है और बड़ा भी हो जाता है काफ़ी। इसके अलावा आप इसे लगा सकते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि सबका फेवरेट है स्नेक प्लांट। आप इसको अंदर रखिए, इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो चलती है, तो आप ये ना सोचें कि बढ़ नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंडोर ये प्लांट है, बिल्कुल चलता रहेगा, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको थोड़ी सी लाइट मिलती रहे उसमें अच्छे से चलता रहता है। तो आप स्नेक प्लांट लगाइए, बहुत ही अच्छा है ये पौधा इंडोर के लिए। इसके अलावा जो अगला जो पौधा है मेरे हिसाब से वो है डेसीना प्लांट। ये बहुत ही अच्छा, देखिए अंधेरा सा है अभी तो, दिन में तो काफ़ी लाइट रहती है अंदर, तो बस इतनी लाइट इसको काफ़ी है और अच्छे से थोड़ी सी धूप भी आ जाती है,
तो बस इतने वो, अगर धूप नहीं भी आती है तो भी अच्छे से बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। मैं ऐसे ही प्लांट आज बता रही हूँ जो बिना धूप के बस लाइट में चल जाएं, तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगा, आप इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट, ये बहुत ही अच्छा पौधा है, आप इसे लगाइए। ये मेरे बेबी प्लांट्स हैं जो अच्छे से अब चल रहे हैं, और बिल्कुल आप बस रोशनी में इसको रख दें, इसको धूप की इतनी ज़रूरत नहीं रहती और बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो ये आप लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ पौधों के नाम बताए हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनको बस लाइट ही चाहिए, बस धूप की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इंडोर अगर आप लगाना चाहते हैं या फिर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छे से ये चलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन जैसे कि क्रोटोन को भी इंडोर माना जाता है, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से क्रोटोन इंडोर नहीं चलता अंदर अच्छे से, क्योंकि क्रोटोन को कम से कम 2 से 3 घंटे धूप जरूर चाहिए, तभी वो अच्छे से चल पाता है, तभी उसके अच्छे कलर आते हैं और तभी ढंग से वो चल पाता है, नहीं तो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा देखिए, सोंग ऑफ इंडिया भी अच्छा इंडोर प्लांट है, इसको मैंने इंडोर ही रखा हुआ था, अभी आज ही बालकनी में लेकर आई बाहर। इसमें अच्छे कलर्स आते हैं, लेकिन थोड़े से कलर्स का अंतर हो गया है, देखिए ऊपर वाली पत्तियों में, नीचे वाली पत्तियों में, तो थोड़ा सा इसमें भी अंतर है। जो कलर्स वाले ज़्यादा जिनमें कलर्स होते हैं उनमें, अगर हम उनको इंडोर रखते हैं तो उन पर फ़र्क पड़ता है, जिनको थोड़ी सी धूप चाहिए होती है। अलग अलग पौधे होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी धूप चाहिए होती है, जिनको ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिना धूप के भी अच्छे से चल जाते हैं, जैसे कि हमारे जो मैंने पौधे अभी बताए वो हैं। एलोवेरा है, इसको भी थोड़ी धूप चाहिए होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है यही मेरे हिसाब से अच्छे इंडोर प्लांट्स हैं। आप बाकी अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।